इधर दलित सम्मेलन की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को टोंक में बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी की कलह खुलकर सामने आ गई। कार्यक्रम एक, पार्टी एक, कार्यकर्ता एक, मगर बैठकें दो। ये हाल है कांग्रेस का टोंक में, जहां दलित सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर दो मीटिंग हुई। एक बैठक दफ्तर में हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने बैठक की, तो वहीं जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री जकिया इनाम के साथ डाक बंगले में बैठक करते रहे। बाद में पहुंचे जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार भी हुए। यहाँ और वहाँ मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। सड़क के किनारे भी मीटिंग हो सकती है, गली में भी मीटिंग हो सकती है। टारगेट ये है कि दलितों को लेके उनकी जागृति के लिए, उन पर जुल्म ना हो, इसकी भरपाई करने के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। कांग्रेस एक जगह है, कांग्रेस में कोई दो फाड़ नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग यहाँ डाक बंगले में रखी गई है। बैठक को लेकर कार्यकर्ता भी असमंजस में रहे, लेकिन पार्टी के भीतर कलह की खबर को दबाने की भरपूर कोशिश करते रहे। कुछ नहीं है, तो मीटिंग गलत होने का कोई बात ही नहीं। मीटिंग तो दोनों जगह 13 तारीख को जो महादलित सम्मेलन जयपुर में हो रहा है उसी को लेकर के आयोजित हो रही है। दोनों जगह एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कैसे वहां पर जाए। दलित सम्मेलन के ठीक पहले कांग्रेस में ये कलह कोई शुभ संकेत नहीं है। वैसे भी पार्टी की साख संकट में है, ऐसे में लोगों का भला कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया 2।